अगली खबर रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा से है, जहां पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया बहुत जल्द सपा में शामिल होकर सिरमौर से सपा के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें, पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया बीएसपी के टिकट पर 2008 में विधायक रह चुके हैं। अभी भी वो बीएसपी में काम कर रहे थे, लेकिन बीएसपी में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब गरीब पीड़ित हरिजन आदिवासी समाज की पार्टी नहीं है, यहां तो केवल पैसे का खेल चलता है, इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना पड़ रहा है। आपको बता दें, बीएसपी में 2008 के बाद से सही प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ, इसलिए हर बार बीएसपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं आगामी चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को सही प्रत्याशी न घोषित करने पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगामी चुनाव पर भोपाल में अखिलेश यादव के हाथों पूर्व विधायक सदस्यता लेने वाले हैं, जिसकी चर्चा सिरमौर विधानसभा में जोरों शोरों से है। सिरमौर विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मेरा पूरा मूड बना है। बहुजन में 23 साल सेवा करके हो गया, बहुजन में धन ज़्यादा लग रहा है, धन अपने पास उतना है नहीं, तो हम समाजवादी से लड़ेंगे। यहाँ मान सम्मान हर जात समाज हर समाज के लोग रहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या और ठाकुर हो, हर समाज के लोग हैं। बहुजन खाली एक समाज का बुनियादी जमाने के लिए कि पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी तो वर्तमान में आप बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यक्रमों में नजर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, 9 तारीख से बहुजन समाज पार्टी में, 10 तारीख के बाद कल विदा कर दूँगा बहुजन समाज पार्टी से। 9 को भोपाल मीटिंग है, भोपाल मीटिंग के बाद वही अपना अपने जो हमारे मान्यवर लोग हैं दिल्ली के, कुहारी आ रहे, बहन जी के भतीजे आ रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देंगे। कुछ जगह चर्चा है समाजवादी से लक्ष्मण तिवारी गए थे, अभी वहाँ लखनऊ गए थे अखिलेश जी मिलने के लिए कि हमको प्रदेश का अध्यक्ष बना दे। अखिलेश जी को जवाब दे दिया कि क्या मेरा जो अध्यक्ष है खराब है, तो फिर मैंने विचार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो लड़ना है तो हाँ, मैं जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सिरमौर विधानसभा की जनता से? जनता से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक बार सेवा का मौका फिर से दिया जाए, आमजन से और समाज की एक बार सेवा और कर ले, ये मेरी अपील है।